हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूजिकल महेश चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए म्यूज़िक से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स लेके आता हूं। दोस्तों, कई साथियों ने पूछा है कि वो क्यूबेस सीखना चाहते हैं, क्यूबेस में म्यूज़िक कैसे कंपोज करते हैं, कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पियानो, गिटार या और कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको यूज करने होते हैं। तो दोस्तों, इन वीडियोस की क्लासेस में मैं आपको क्यूबेस एकदम शुरू से सिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन से लेकर के उसमें रिकॉर्डिंग प्रोसेस, एक गाने को बनाने में जो जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती है, जो मिक्सिंग प्रोसेस होती है, जितनी भी तरह की प्रोसेस होती है, उसके बाद में मिक्सिंग कैसे आप उसमें करते हो, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा और वो भी हिंदी में। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक म्यूजिकल महेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यही वक्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आगे मैं एक से बढ़कर एक अच्छी क्लासें लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो दोस्तों, स्टेनबर्ग नाम की कंपनी इस क्यूबेस सॉफ्टवेयर को बनाती है और क्यूबेस सॉफ्टवेयर बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे प्रोफेशनल म्यूजिक स्टूडियोज़ में ये क्यूबेस यूज होता है और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये अलग अलग वर्जन में अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप होम के लिए, अपने होम स्टूडियो के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोफेशनल वाले सॉफ्टवेयर की प्राइस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्जन है। और इसमें जो सबसे कम रेट वाला जो वर्जन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एली वर्जन में अभी यूज कर रहा हूँ, और यकीन मानिए दोस्तों, वो इतना पावरफुल है, मैंने जितने भी अभी तक म्यूज़िक अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं वो सब के सब उसी के थ्रू बनाए गए हैं। और अगर आप चाहो तो उसको कभी भी जो बची हुई प्राइस है वो पे करके उसके नेक्स्ट वाले वर्जन में उसको अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्यूबेस एली से क्यूबेस एलिमेंट्स में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ वही प्राइस पे करनी पड़ेगी जो कि इन दोनों की रेट में डिफरेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यूबेस इंस्टॉल करने से पहले आपके कंप्यूटर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आप इसे पीसी या मैक किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, क्यूबेस की कंपनी ये कहती है कि जिस कंप्यूटर में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो उसमें अगर 8 GB रैम होती है तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा, लेकिन मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास में एक पुराना लैपटॉप था, उसमें 1 GB रैम सिर्फ थी और उसमें मैंने क्यूबेस एलिमेंट को यूज़ किया है, उस पर वो प्ले हो जाता है। फ़र्क इतना ही है कि उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, काम बहुत स्लो होता है उसमें। लेकिन अगर आपके पास में 4 GB मिनिमम, जो कि रिकमेंडेड है स्टेनबर्ग के द्वारा, अगर 4 GB आपके कंप्यूटर में है तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हार्ड डिस्क में 15 GB कम से कम स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, मेन जो रिक्वायरमेंट है क्यूबेस को इंस्टॉल करने की, यही कि आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट ड्यूअल कोर प्रोसेसर हो और 4 GB कम से कम रैम हो, तो आपका क्यूबेस सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। तो अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्जन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। क्यूबेस नॉर्मली 3 वर्जन में आता है, पहला है क्यूबेस एलिमेंट 8, उसके बाद में क्यूबेस आर्टिस्ट 8.5 जो लेटेस्ट है, और उसके बाद में क्यूबेस प्रो 8.5। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो अलग अलग वर्जन है इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो क्यूबेस एलिमेंट की बात करते हैं जो कि सबसे कम प्राइस का है, उसके अंदर देखिए, अगर आप इसकी साइट पे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज आइडियल फॉर होम रिकॉर्डिस्ट, और जो बैंड्स, सिंगर सॉन्ग राइटर है जो कि अपने शौक के लिए या फिर घर पे यूज करते हैं क्यूबेस सॉफ्टवेयर या म्यूजिक कंपोजिंग के लिए, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेड यही है कि वो क्यूबेस एलिमेंट 8 यूज़ कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यह है कि इसको ऑथराइज करने के लिए इसका जो लाइसेंस है वो आप ई लाइसेंसर के थ्रू आप अप्रूव कर सकते हो, यानी कि अदर सॉफ्टवेयर्स की तरह जो कि इसके हायर वर्जन है उनमें आपको USB लाइसेंस लगाना पड़ता है, यानी कि आप पेन ड्राइव की तरह होता है वो, और उसको जब आप कंप्यूटर में लगाओगे तभी वो सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है। तो क्यूबेस एलिमेंट की सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें अलग से कोई USB लाइसेंसर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या फीचर है, देखिए, इसमें 24 फिजिकल इनपुट और आउटपुट है जो कि एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग करने वाले के लिए मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद में आपको इसमें 48 ऑडियो ट्रैक्स मिलते हैं, 48 ऑडियो ट्रैक्स दोस्तों, ये मोर देन सफिशियंट है अगर आप एक अच्छा गाना बनाना चाहते हो तो। उसके बाद में 24 इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स हैं और 16 VST इंस्ट्रूमेंट स्लॉट्स हैं, और मिडी ट्रैक्स टोटल 64 हैं जो भी एक अच्छी क्वांटिटी है। उसके बाद में और बाकी सारे आप इसमें फीचर पढ़ सकते हो, मेन फीचर यही है कि इसमें ट्रैक्स का जो नंबर है, कितने ट्रैक्स होते हैं अलग अलग वर्जन में, वो वेरी करता है, और आप उसमें कितने इफेक्ट्स लगा सकते हो, बस ये इन्हीं चीज़ों का फ़र्क है। बाकी क्वालिटी वाइज आप चाहे हायर वर्जन इसमें यूज करो या लोअर वर्जन यूज करो, आपको क्वालिटी वही मिलेगी साउंड की। तो दोस्तों, क्यूबेस को ट्राई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट stenberg.net पे जाना पड़ेगा। उसके प्रोडक्ट्स में ट्रायल पर आप क्लिक करके जो जो प्रोडक्ट्स ट्रायल के लिए अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल,
यहाँ पे देखिए क्यूबेस एलिमेंट 8 अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके पास मैक है या पीसी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर पीसी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद में ये डाउनलोड लिंक दे देगा। देखिए 2.6 GB का सॉफ्टवेयर है, आपको डेफिनेटली एक नेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो दोस्तों एक बार इसको डाउनलोड करने के बाद में आप किसी और सॉफ्टवेयर को जिस तरह से इंस्टॉल करते हो वैसे इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपने ट्रायल की जगह आपने परचेज करके ख़रीदा है तो आपको लाइसेंस की जो मिलेगी वो इसके ई लाइसेंसर एक सॉफ्टवेयर आता है इसके साथ में इंस्टॉल होता है वो कंप्यूटर में, उसके अंदर आप अपनी लाइसेंस की को जब डाल देंगे तब क्यूबेस एलिमेंट आपका एकदम फुल वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में जो क्यूबेस एली है मुझे अपने इंटरफेस के साथ में ये फ्री मिला था वो डाल के रखा हुआ है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। दोस्तों पहली बार जब आप क्यूबेस ओपन करेंगे तो आपको ये ऑडियो ड्राइवर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ऑडियो ड्राइवर का मतलब है कि एक तो कंप्यूटर में इनबिल्ट ड्राइवर होता है जो कि हम नॉर्मली उसमें हेडफोन लगा करके मूवी देखते हैं गाने सुनते हैं वो होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा इंटरफेस आप फिजिकली अलग से भी परचेज कर सकते हो तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और अगर आप सीरियस हो म्यूज़िक कंपोजिंग के प्रति तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। इसके बारे में बाद में क्लास एक लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि आप होम स्टूडियो कैसे सेटअप कर सकते हो, लेकिन आज हम क्यूबेस के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जब आप ऑडियो ड्राइवर सेलेक्ट कर लोगे इसमें तो कुछ इस तरह का पैनल आपके सामने खुल के आएगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे जो आप ये पैनल देख रहे हो छोटा सा ये आपका इंटरनेट से कनेक्ट होकर के उसके बाद में यहाँ पे आपके न्यूज़ फीड देता है, ठीक है। और क्विक स्टार्ट में अगर आपके पास में नेट का कनेक्शन है तो आप यहाँ से इसके सिंपल वीडियोज़ है स्टेनबर्ग के ही उन पर आप देख करके इसको सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये पैनल जो कि हमें डेली यूज़ में होगा जब भी हम ओपन करेंगे इसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट सेटअप पैनल होता है और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रिसेंट, तो आपने जो जो रिसेंटली प्रोजेक्ट खोले हैं वो इसमें आपको शो करेगा। उसके बाद में रिकॉर्डिंग में इसके कुछ प्रीसेट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप अकोस्टिक गिटार और वोकल्स सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ प्लगइन्स को उसमें इंस्टॉल करके रखेगा ट्रैक में ताकि आपको एडिटिंग में इजी हो। उसके बाद में स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन मास्टरिंग, और अगर आप एक सिंपल प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं जिसमें आप मैन्युअली ट्रैक सेट करें तो आप मोर में जाइए और एमटी को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एमटी को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ सेव करना चाहते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट लोकेशन। इससे क्या होता है कि क्यूबेस अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को सेव कर देता है। दूसरा है आप प्रॉम्प्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी और लोकेशन पे इसको सेव करना चाहो तो वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे अपने लोकेशन एक चूज कर लेते हैं, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं, तो हमें इसको डेस्कटॉप पर सेव करना है और डेस्कटॉप पर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद में एंटर प्रेस करके आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ एक इस तरह की विंडो दिखाई देगी और इसका इंटरफेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शुरुआत में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा लेकिन अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो आपको बहुत ही ईजी होगा इसमें काम करना। सबसे ऊपर ध्यान देते हैं, किसी भी नॉर्मल विंडोज़ के प्रोग्राम की तरह इसमें एक मेन्यू पैनल दिया हुआ है, किसी भी विंडोज़ प्रोग्राम की तरह इसमें एक मेन्यू बार दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज़ है, फॉर एग्जांपल फाइल, एडिट, प्रोजेक्ट, ऑडियो एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। उन्हीं के अंदर फिर और छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। उसके बाद में सेकंड लाइन में दोस्तों आप जो भी यहाँ पे काम कर रहे हो ट्रैक से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट के उनकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एक्टिवेट प्रोजेक्ट, अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट विंडोज़ खोली हुई है तो कौन सा प्रोजेक्ट आप करंटली एक्टिवेट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है सेटअप विंडोज़ लेआउट का, यानी कि अभी आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पे आपको एक पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, लेकिन जब आप इस पर सेलेक्ट करोगे तब देखिए आपको अभी ये दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक स्टेटस लाइन जो कि यहाँ पर है और एक इंस्पेक्टर जो कि ये है।
इसके अलावा अगर आप इन्फो लाइन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओवरव्यू लाइन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर सकते हो, और रेक्स इसमें कुछ ऑलरेडी से पहले साउंड दिए हुए हैं तो उनके रेक अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी अपने को कुछ नहीं चाहिए, हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, जैसा अपने पास खुल के आया वैसा हमने इसको खोल लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये कुछ ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल म्यूट करने का है या किसी ट्रैक को सोलो करने का है, यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑटो स्क्रोल का, फॉर एग्जांपल जब एक आप गाना इसमें प्ले करेंगे तब किस तरह से ये स्क्रोलर उसके साथ साथ में चलता रहेगा। इसी तरह से दोस्तों देखिए ये प्रीवियस मार्कर तक जाने का ऑप्शन है, उसके बाद में लूपिंग का ऑप्शन है, ये स्टॉप का, प्ले का, ये रिकॉर्डिंग के लिए, उसके बाद में ये कुछ टूल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये रेंज सिलेक्शन का टूल है, ये स्प्लिट है, ये ग्लू है, तो इस तरह से आप माउस को जहाँ पर भी लेकर के जाएंगे वहाँ पर ये अपने आप आपको नीचे लिखा हुआ बता देगा ये चीज़ ये काम करती है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों क्यूबेस खोलने के बाद में सबसे पहले आपको इसमें डिवाइस सेटअप करना पड़ता है। डिवाइस सेटअप का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी काम करेंगे तो आपको वो सुनाई कैसे देगा, या आप कुछ चीज़ रिकॉर्ड करना चाहेंगे माइक्रोफोन से तो वो इसमें रिकॉर्ड कैसे होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मेन्यू बार में डिवाइस का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में डिवाइस सेटअप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप इस पॉपअप मेन्यू पे जाएंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पे VST ऑडियो सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर एक जो पॉपअप मेन्यू दिया हुआ है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो जो ऑडियो के ड्राइवर्स है या जो एक्सटर्नल ऑडियो ड्राइवर्स आपने यूज की हुई है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट की हुई है, वो आपको इसमें शो करेगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में फोकसराइट का एक साउंड कार्ड है तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो SEO फॉर ऑल आप नेट से डाउनलोड करके उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए फोकसराइट का ऑडियो ड्राइवर यूज़ करूँगा इसमें, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो अभी ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू स्विच द SEO ड्राइवर, यस स्विच करना चाहते हैं। और जैसे आप यहाँ पे इसको स्विच करोगे तो देखिए VST ऑडियो सिस्टम के नीचे फोकसराइट USB 2.0 ऑडियो ड्राइवर लिखा हुआ आ गया, और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड फिर जितने भी इनपुट या आउटपुट हैं, फॉर एग्जांपल जो फोकसराइट का USB 2.0 मैं यूज़ कर रहा हूँ साउंड कार्ड, उसमें दो इनपुट के स्लॉट हैं और दो आउटपुट के स्लॉट हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक इसके अंदर कन्फिगर हो करके यहाँ पर यह बता रहा है कि आपका इनपुट 1 भी विजिबल है, इनपुट 2 भी विजिबल और एक्टिव है, और आउटपुट 1 और 2 भी एक्टिव है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों तीसरा काम अपना बचता है बस जोड़ने का। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको इसके लिए VST कनेक्शन में जाना पड़ेगा। कनेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर कुछ बस ऑलरेडी ऐड की हुई है, इनको सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ दी गई है आप उसको हटा सकते हो, या फिर अगर आपको क्यूबेस में साउंड आ रहा है, सही काम दे रहा है, तो आप इनको चेंज ना करो तो बेटर है, ठीक है। तो चलिए अभी हमने सबको हटा दिया, अभी हम नई बस ऐड करेंगे। दोस्तों रियल लाइफ में जैसे बस का काम होता है पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का, उसी तरह से क्यूबेस सॉफ्टवेयर में साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हम बस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ तो वो चीज़ माइक्रोफोन के थ्रू साउंड कार्ड में जा रही है, साउंड कार्ड से फिर कंप्यूटर में आ रही है, कंप्यूटर से फिर वो एडिट होकर के मेरे हेडफोन में सुनाई मुझको दे रही है, ठीक है। और उसमें अगर आपको इफेक्ट लगा रहे हो तो प्रोसेस होकर फिर अगेन वो हेडफोन में आ रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो ये साउंड का सिग्नल जाता है इसको बोलते हैं हम बस। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक सीधा सा लॉजिक बताता हूँ। मेरे पास में जो ऑडियो का ड्राइवर, जो ऑडियो का इंटरफेस है, उसमें दो इनपुट है और दो आउटपुट है, तो मैं एक सीधे से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं उस पर दो मोनो इनपुट दे सकता हूँ अलग अलग दोनों इनपुट में, या फिर दोनों को मिला करके एक स्टीरियो इनपुट दे सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो अलग अलग मोनो इनपुट, मोनो का मतलब है कि जो सिग्नल होता है वो सिर्फ एक ही चैनल पर होता है, ठीक है, और वो दोनों हेडफोन में अपने को इक्वली स्प्लिट हो जाता है। और स्टीरियो की बात करें तो दोनों जो हेडफोन के आपके दोनों हिस्से हैं लेफ्ट और राइट, उनमें आपको अलग अलग ऑडियो सिग्नल सुनाई देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो इनपुट मेरे पास में साउंड कार्ड में है तो हम दो मोनो बस जोड़ देंगे और एक स्टीरियो बस जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे एड बस पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले मोनो बस जोड़ते हैं। यहाँ से मोनो सेलेक्ट कर लिया और काउंट हमने 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में एड बस पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया एड बस पे,
यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी जो मेरे दो इनपुट पोर्ट हैं वो यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिए हैं, इनपुट वन और इनपुट टू, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट में हम क्या करेंगे, आउटपुट में हमें सिर्फ स्टीरियो आउटपुट चाहिए क्योंकि मोनो उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है और आजकल सब कुछ स्टीरियो में होता है। तो हम यहाँ पे ऐड बस करेंगे और उसके बाद में एक स्टीरियो चैनल ऐड कर देंगे। तो देखिए जब हम स्टीरियो चैनल एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट वन और आउटपुट टू दोनों एक ही बस में ऐड हो गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको क्लोज करने के बाद में हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये ड्राइवर काम कर रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड ट्रैक करेंगे और एक ऑडियो ट्रैक चलिए जोड़ लेते हैं, ठीक है। स्टीरियो ट्रैक है यहाँ पे, देखिए आप नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ ट्रैक सेट कर सकते हो, यहाँ से स्टीरियो या मोनो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ऐड ट्रैक पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम दो ट्रैक जोड़ लेते हैं, ये देखिए दोनों ट्रैक यहाँ पे जुड़ के आ गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये विंडो आपको दिखाई दे रही है इसमें कुछ बेसिक ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इक्वलाइजर यूज करना हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फेडर या नोटपैड कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे वो काम कर सकते हो। तो जो ट्रैक से रिलेटेड जितना भी काम है आप यहाँ पे इंस्पेक्टर में करोगे। उसके बाद में दूसरा वाला जो ये पोर्शन दिया हुआ है इसमें आपको ट्रैक से रिलेटेड ट्रैक का नाम और उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद में ये है प्रोजेक्ट विंडो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और ऑडियो के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इनपुट, इनपुट वन जिस माइक्रोफोन से हम कर रहे हैं रिकॉर्ड, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम ये पता लगाने के लिए कि इसमें अपनी ऑडियो डिवाइस अच्छी तरह सेट हो गया कि नहीं हो गया, उसके लिए मैं एक ऑडियो क्लिप यहां पर लेके आता हूं और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो प्ले होती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी इसका वेव फॉर्म यहां पर बंद करके आ गया, तो अभी मैं इसको प्ले करता हूं, देखते हैं कि आवाज आती है कि नहीं आती है। तो देखिए अभी अपने को आवाज़ सुनाई देने लगी है। इसी तरह से दोस्तों आप माइक्रोफोन की भी टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे जाइए ट्रैक के अंदर और यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट करके उसके बाद में अब जब आप यहाँ पे मॉनिटर बटन को प्ले करेंगे तब आप जो चीज़ माइक्रोफोन में बोल रहे हैं वो आपको अपने हेडफोन में सुनाई देगी। तो दोस्तों आई होप आज की क्लास से आपको क्यूबेस को इंस्टॉल करना, उसके फीचर्स, कौन कौन से वर्जन है और उसमें कैसे ऑडियो सेटअप कर सकते हो। दोस्तों ऑडियो सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। शुरू में मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी इसको सही करने में। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अगर ना पसंद आया तो प्लीज़ डिसलाइक करें और कारण इसका ज़रूर लिखें ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं। और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।